हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना जो स्टार्टिंग है वो रात से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसकी एक वजह है गाइस। और वो वजह मतलब मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो चुका है, और मतलब मैं बता नहीं सकती मेरा मूड कितना ऑफ है। उसके बाद भी मैं अभी बहुत देर से ना नीचे बैठी थी मुँह लटका के कि मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं इतने मेहनत से व्लॉग शूट करती हूँ, और गर्मी हो रही थी आज, बहुत गर्मी हो रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मैं ब्लॉग शूट करूँगी, मैं करूँगी। मैंने ब्लॉग शूट किया अपना, 20-25 मिनट का ब्लॉग शूट किया। उसमें कितनी मेहनत लगती है, मतलब जो एक ब्लॉगर होगा उसको ही मालूम होगा गाइस, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो हुआ ये कि मैंने आज अपना ब्लॉग शूट किया जैसे मैं करती हूँ रोज़, बट मेरे को खुद भी पता नहीं चला जब मैं अभी एडिट करने बैठी तो उसी सारी वीडियोस में क्लिप में किसी में भी वॉइस आई नहीं रही। तो मतलब मेरा ना दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मतलब मेरी इतनी मेहनत, मैं एक एक जो क्लिप होती है इतनी मेहनत से शूट करती हूँ, और मतलब किसी में भी मतलब वॉइस आ नहीं रही। स्टार्टिंग में थोड़ी 3-4 क्लिप में मेरी वॉइस आ रही, उसके बाद वॉइस आई नहीं रही। तो मेरा दिमाग इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, मैं बता नहीं सकती। तो गाइस मैं क्या करूँगी अभी जो मैं एडिट कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की वीडियो है, मैं बहुत मेहनत से शूट करती हूँ, तो मैं उसको ऐसे वेस्ट तो जाने नहीं दूंगी। तो मैंने आज अपनी जो व्लॉग की जो क्लिप है उसमें वॉइस ओवर की है, तो अच्छे से तो नहीं हो पाएगा मुझे पता है, बट गाइस जितना मुझसे हुआ मैंने किया। और आप लोग प्लीज़ आज का जो व्लॉग है उसको थोड़ा सपोर्ट करना, जैसे रोज वाले पे करते हो ऐसे इस वाले पे करना। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, जो कोई इंसान मेहनत करता है ना, मेहनत करने के बाद उसको ये ऐसा रिजल्ट मिलता है तो उसका ना माइंड ख़राब हो जाता है। मतलब एक टाइम पे ना ब्लॉक्स हो जाते हैं कि यार हम इतनी मेहनत से काम करते हैं उसके बाद हमारे साथ ये हो रहा है, तो पता ही हुआ कैसे। फ़ोन में दिक्कत भी कुछ नहीं आई है और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं हुई है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी 20 या 28 मिनट की मेरा टोटल व्लॉग बना था। उसके बाद वो तो शुक्र है कि मेरे पास टाइम था, तो मैं उसे एडिट करने बैठ गई थी, तो मैंने सोचा कि एडिट कर लेती हूँ। जैसे मैंने क्लिप को सुना, मैंने कहा इसमें मेरी वॉइस ही नहीं आ रही, मैंने सारी जो क्लिप थी उसकी वॉइस सुनी, किसी में भी नहीं आ रही। तो मैं बहुत देर से बैठी रही, बट नहीं, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब किस्मत ख़राब हो तो एक दिन जो मेहनत होती है ना वो भी ना हरा देती है किस्मत को, बोलती है कि ले तेरे हिस्से का आता है तू ले ले। तो मेरे साथ भी वही है कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, किस्मत पे छोड़ दो, क्योंकि किस्मत हर किसी की अच्छी नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाइज, मैं अपना क्या ही बताऊँ। बट कोई नहीं, मैंने वॉइस ओवर की है, जितना मुझसे हुआ मैंने किया गाइज, बाकी आपका काम है, आप उसको सपोर्ट करना वीडियो को। और बस ये वाला आज हो गया है, आगे से मैं याद रखूंगी जो भी मेरी क्लिप्स वगैरह है। पहले शूट करने के बाद सबसे पहले देखा करूंगी कि उसमें वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। तो आप देखो और एंजॉय करो व्लॉग को गाइस, जैसे मैं रोज बनाती हूँ बनाया तो मैंने आज भी ऐसे ही है। बस ये है कि उसमें मेरी वो वाली वॉइस नहीं आएगी जिसमें तब मैंने वो शूट कर रखा है, बस मैंने वॉइस ओवर किया है गाइस पीछे से। और पीछे पता है मैंने किससे वॉइस ओवर किया है, मतलब मेरी नीचे एयरफोन रखी है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी आती है, क्योंकि मैं एयरफोन यूज़ करती हूँ, मेरे पे कोई वो नहीं है महंगे वाले वो होते हैं एयरफोन, नहीं है भाई मेरे पास, तो सस्ते से वाले हैं। तो मैंने उससे जीने पे बैठ के वॉइस ओवर किया, और इतने मच्छर लग रहे थे, मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ वॉइस ओवर, इतनी देर से वॉइस ओवर कर रही थी और इतने मच्छर लग रहे थे यहाँ पे, इतने मच्छर लगते कि मैं बता नहीं सकती। वो ठंडा मंगवा लो। तो गाइज मैं भाई से बोल रही थी कि गाइज आज हमारा वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो भाई बोल रहे थे कि हाँ रिचार्ज ख़त्म हो गया है, बट हमने रिचार्ज करवा दिया क्योंकि व्लॉग रेगुलर डलेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ, और मैं कुछ बोल रही थी भाई से, मुझे भी नहीं पता। फिर मैं कमरे में आ गई थी, कमरे में आने के बाद मैं कुछ अपनी एडवाइस दे रही थी कि गाइज रिचार्ज हमारा हो गया है, व्लॉग में बिल्कुल भी लेट नहीं होगा क्योंकि व्लॉग डलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ये बात बोल रही थी, फिर उसके बाद आदि आया और आदि अपना कुछ बोलने वाला था, बट मैंने उसे रोक दिया था कि मुझे बोलने दे। हाँ, आदि ये पास दिखा रहे थे, ये पास था स्वाति का, क्योंकि स्वाति इसे ही दिखा के अपने स्कूल में एंट्री करती है, और आदि कह रहा था कि ये पास को मैं अगर हटा दूंगा तो उसकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसी हरकत मत कर। फिर उसके बाद स्वाति और मेरी मस्ती स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्वाति ने मुझसे बोला कि मुझे गोलगप्पे खिला दे, तो मैंने कहा कि हाँ अब तू मेरे पास आई है तो अब तो तुझे मस्का लगाना है, क्योंकि तेरे को खाना है मुझसे पैसे लेके गोलगप्पे। तो देखो ये मेरे को कैसे बार बार चिपट रही है क्योंकि इसको ना गोलगप्पे खाने हैं। तो मैं इससे ये कहती गाइस देखो
मैं कमाती नहीं हूँ, ठीक है? अगर मैं तुझे कमाती, मेरा हक तब बनता खिलाने का, तो ये बोल रही है कि क्या मैं तेरी बहन नहीं हूँ। तो मैंने इससे ये कहा कि हाँ, मेरा हक तब होगा जब तेरी शादी हो जाएगी। तो ये मुझसे ये कह रही है कि तू मेरे को अब प्यार नहीं करती तो तब प्यार क्या करेगी। तो मैंने से ये बोला, अब तू अपनी है जब तू पराई हो जाएगी, मैंने डायलॉग मारा। तो ये देखो फिर भी, ये देखो 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 कैसे कर रही है, मतलब ये मस्का लगा रही थी मुझे कि खिला दे खिला दे खिला दे, बार बार मेरे को छोटू बोल रही थी कि खिला दो। देखो अब भी ये मान नहीं रही है, बार बार मेरे को बोली है खिला दो। तो मैंने इससे कहा कि गाइज ये ऐसी मस्का लगाएगी मुझे। तो ये देखो अंदर चलेगी, और हम गोलगप्पे खाने का प्लान कर रहे थे तो हमने गोलगप्पे खाया। और यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ गाइज कि हम सभी गोलगप्पे खाने जाने वाले हैं, मैं, मम्मी, भाई आदि और स्वाति, बट पापा नहीं जाएंगे। मैंने ये बोला वहाँ पे क्योंकि पापा नहीं जाते हैं, पापा हमेशा ये बोलते हैं कि तुम लोग जाके खा लो, तो इसलिए हम ही सब जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बोला, और देखो स्वाति रेडी हो गई है। स्वाति ने कहा कि मैं रेडी हो गई हूँ चल। और पीछे आदि लगा कर आया था टाई अपने स्कूल की, तो मैं ऐसे ये बोल रही थी कि तू सस्ता सनी देओल लग रहा है, जो बोलते हैं ना काती है ये मजदूर के हाथ, तो मैं बोल रही थी तू सस्ता सनी देओल लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है तू बहुत ज़्यादा। तो आदि कह रहा है कि मैं ठीक लग रहा हूँ, जैसा भी लग रहा हूँ। और ये देखो यहाँ दोनों, इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो गई है। और मैं आदि ये कहता है ये तेरा भाई जोगिंदर, तो मैं कहती सस्ता जोगिंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया था जाने के लिए, क्योंकि हमें गोलगप्पे खाने थे। और यहाँ पे मैं पापा से पूछ रही थी कि पापा आप चलो हमारे साथ गोलगप्पे खाने के लिए, तो पापा ने देखो कितना कैसे रिएक्शन दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर हम गली में जा रहे थे, मैं, आदि, मम्मी और भाई आगे आगे चल रहे थे। और मैं भाई को ये बोल रही थी कि भाई हमें गोलगप्पे खिलाते हैं, फिर हमें ये बोलते हैं कि तुम मेरे पैसे उड़वा देते हो। तो मैंने ये बोला कि दूसरों के पैसे के खाने में जो मज़ा आता है उसका आनंद हमें भी पता है, मतलब जो खाता है ना दूसरों का पैसे का उसे ही पता होता है। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ बोल रही थी बार बार कि बहुत अच्छा लगता है जब भाई हमें खिलाते हैं, भाई के पैसे उड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आदि और मम्मी पीछे व्लॉगिंग कर रही थी, मतलब मैं जब अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ इन दोनों को ना तभी याद आता है, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं ये बोल रही थी। फिर हम पहुँच गए थे फाइनली आंटी वाली, आंटी जी के यहाँ पे, जहाँ पे हम गोलगप्पे खाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखो हम हंस रहे हैं। तो भाई मुझसे ये पूछे थे कितने पैसे लेकर आए, तो मैंने कहा जब तुम हो तो मुझे पैसे लाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस बात से हम सब हंसे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ गोलगप्पे का, सब खा रहे थे, अब बारी मेरी थी, तो मैंने गोलगप्पा खाया। और ये गोलगप्पा में मिर्ची बहुत थी, और मैंने इसको दिया कि मेरा शूट कर, बट ये गोलगप्पा लेने लगा। फिर उसके बाद गाइज आदि भाई तो चले गए थे घर, और उसके बाद हम जा रहे थे मम्मी और मैं मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे था। फिर उसके बाद हमने मंदिर में एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मैं ये बोल रही थी गाइज कि मंदिर में आने के बाद जो मेरी फ़ोन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है और मेरा फ़ोन लाइटिंग में अच्छा वर्क करता है। फिर यहाँ पर दो बच्चियाँ मिली, वो भी दीपक करने के लिए आई थी, मैंने उससे बोला कि हेलो बोलो, तो देखो इसकी स्माइल कितनी प्यारी सी है। फिर उसके बाद गाइज हम फाइनली, मम्मी ने पूजा कर ली थी, तो मैं ये बोल रही थी कि गाइज हम जा रहे हैं अब घर, पर मंदिर आके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मतलब मम्मी ने दो बार मेरे को आवाज़ मारी बट मेरे को आवाज़ ही नहीं आई, मैं खो गई वहाँ जाके। तो अब मैं मंदिर से निकल रही थी गाइज, उसके बाद हम अपनी गली में आ गए थे। गली में आने के बाद मैंने बोला कि गाइज मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे अपना हेयर स्टाइल वो वाला अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान ने मेरे को ठीक ठाक हाइट दी है और मेरे पे वो वाला हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता जिसमें मेरी हाइट लंबी लगे, मुझे पसंद नहीं है। और मैं स्लीपर भी बहुत ही, मतलब जिसमें बिल्कुल भी हील्स ना हो ना, मैं वो वाली स्लीपर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सब भाषण दी। तो गाइज आपने देख लिया होगा वो व्लॉग, और आपको कैसा लगा प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार ऐसे वॉइस कवर की है, मजबूरी में किया गया क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है क्या प्रॉब्लम हुई है, तो आप भी समझ सकते हो। और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत 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 बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि जो भी मैं शूट कर रही हूँ सबसे पहले उसको रोक के देखूँ इसमें वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको जाऊँगी चेक कराऊँगी जो इसका सर्विस सेंटर है। बट व्लॉग में देरी नहीं होगी, व्लॉग आएंगे जैसे आते हैं रेगुलर आएंगे। तो मैं गाइस को इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट करो, व्लॉग को ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट किया करो, आपको क्या अच्छा बुरा लग रहा है सब बताया करो मुझे, ताकि मुझे हिंट मिले कि मुझे अपने व्लॉग के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे हिंट दिया करो कि श्वेता ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और बस मेरे ब्लॉग को शेयर किया करो गाइस। और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, कुछ भी नहीं, मेहनत करना मेरा काम है और सपोर्ट करना गाइस, थोड़ा सा आपका काम है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस।
फिलहाल गाइज व्लॉग एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को गाइज करना सब्सक्राइब। मिलते हैं वजह लेकर अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।